नमस्कार बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ और आज जब अभिषेक जी से हम बात कर रहे हैं तो बिहार में आज सुबह सुबह एक बड़ी घटना हुई है दैनिक जागरण के अररिया के पत्रकार विमल यादव की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई हत्या की घटनाएं कोई नई नहीं, नहीं है बिहार में लेकिन एक पत्रकार को घर में घुसकर सुबह पांच बजे इस तरीके से मार देना ये तो बिल्कुल एकदम जंगल राज है क्यों अभिषेक जी आ, हर सर दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम लोग न जाने कितने चुके जंगल राज पे कर हैं। लेकिन दो घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहिए दोनों में यादों मारे उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे पुलिस वाले पुलिस वाले की हत्या हुई अब देखिए आज जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने एक बात बड़ी सफाई से बोली बड़ा साफ बोलते हैं वो कि हत्या 14 अगस्त को हुई लेकिन मीडिया में लीक की जाती है 16 अगस्त को मतलब नीतीश जी भी चाहते थे अच्छे से झंडोत्तोलन हो जाए सब कुछ ठीक ठाक हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार जैसे छोटे प्रदेश में इस प्रकार की खबरें दो दिन तक दबा दी जाए किसके किसको डराया जा रहा है क्यों ऐसी खबरें सब प्रेस की जाए इस प्रकार के न्यूज को दबा देने से क्या बिहार का इमेज बदल जाएगा दूसरी बात जो पत्रकार के हित्य पे कहा कि ये लगातार नीतीश जी के शासन काल में इस गठबंधन के शासन काल में हो रहा है कि पत्रकारों को डराया जा रहा है किसी को जेल भेज देंगे तो किसी की हत्या हो जा रही है और ऐसा भी नहीं कि हत्या का अंदेशा इस पत्रकार ने नहीं जताया था तब तो कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ ना सर अगर पुलिस विभाग को जानकारी थी ये कहा जा रहा है कि कई लोग मेरी रेकी कर रहे हैं मुझ पर हमला होने की संभावना है और फिर भी हो जा रहा है तो किसका फेलियर चिराग पासवान का तो नहीं कह सकते मोदी का तो फेलियर नहीं कह सकते इसी बात पे उन्होंने कहा कि आज एक फैशन बन गया इस देश में कि कोई भी उठ के कहता है कि डेमोक्रेसी बचाना है संविधान बचाना है और यहाँ पे पूरा स्टेट बर्बाद हो गया वो लोग भी संविधान बचाने के नाम पे काम करने रहे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया और प्रेस के लोग अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो कहते हैं आंकड़े देख लीजिए बिहार का जो आंकड़ा है वो अगर आप देखेंगे अपराध के मामले में तो वो तो कई राज्यों से काफी कम है इसी बात, भी बात भी को लेकर ये यादव का कहना है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस उसमें दिल्ली में ज्यादा क्राइम है बिहार से हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. इसी बात को चिराग देखिए मैं इसीलिए चिराग पासवान जी को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लीडर ऑफ इंडिया में कह रहा हूं जो पिता के बाद पुत्र की श्रेणी में जो लोग आए उस लेगेसी को बढ़ाने में उन्होंने इस बात पे बात की कि ये कलेक्टिव फेलियर होना चाहिए आ, हमारा और हम कलेक्टिव ढंग से इस पे अप्रोच करेंगे कि हर एक घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए या हम ये देखेंगे कि दिल्ली में अधिक हो रहा है हमारे पास कम है तो हो कोई दिक्कत नहीं है हम उसको ऐसे डिफेंड कर लेंगे राजनीति में और सर एनसी देखिए दिल्ली की घटनाएं अगर आप देखें तो वहां का क्राइम दूसरे तरह का है यहां क्राइम दूसरे तरह का है वहां पे ऐसा नहीं होता ना कि दिन दहाड़े बैंक डकैती होती है तेजस्वी यादव तो जी मुझे पिछले आठ महीने के आंकड़े निकाल के दिखा दे मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं कितनी बैंक डकैती दिल्ली में हुई है और कितनी कितनी बैंक डकैती बिहार में हुई है आपको पता चल जाएगा कि, कि किसके आंकड़े क्या है वो जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं वो सुने के हैं जब नीतीश और बीजेपी साथ थे पिछले साल दिसंबर तक के हैं वो वो एक मैं, साल मैं वही रिपोर्ट क्या? आती है में मुझे तो इन्फ्लेशन रेट अगर चेक करना होता अरे मोदी जी के सरकार में अगस्त में सेवन पॉइंट फाइव इन्फ्लेशन रेट अरे आप मोदी सरकार की मोदी से तुलना करना चाहते हो या कांग्रेस से तुलना करोगे कांग्रेस से तुलना करो कांग्रेस के समय इन्फ्लेशन रेट दस परसेंट से ऊपर रहा पूरे टाइम रहा मनमोहन सरकार में 2008 में खास करके सत्यम कंप्यूटर के समाप्त होने के बाद जो पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन आया और जो स्थितियां कहते हैं नौकरी सत्यम कंप्यूटर के डूबने के साथ देश भर में अघोषित रूप से तीन साढ़े तीन लाख इंजीनियरों के नौकरी चले गई तो तेजस्वी यादव भी आंकड़ों की बात करने लगे ये बहुत अच्छी बात है सर पहली बात आज इससे पता चल रहा है कि शायद स्कूल में भले ना पढ़ पाए अब शायद पढ़ाई कर रहे हैं डिप्टी सीएम बनने के बाद ये अच्छी बात है कोई बात नहीं मुझे लगता है एक... किशोर ने जो बयान दिया स्टेटमेंट दिया नो भी पास वाला उसे सीरियसली हाँ। ले लिया तेजस्वी यादव ने अब आंकड़ों हाँ, उसे हो सकता है कि अब अगले साल 2024 में जब मेट्रिकुलेशन के पेपर वगैरह हो तो शायद उनका भी एक हो कि भाई हम भी भर रहे हैं हम भी पास करेंगे इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसी पे आधारित है मैं, मैं वही कह रहा हूँ ये तो अच्छी बात है ये होना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन आंकड़ों की बात और वास्तविकता डर ये दो अलग अलग चीज है जो दिल्ली में मैं रात को बारह बजे साकेत मॉल डीएलएफ से हौज खास से निकलने समय मालवीय नगर जाने में जो मुझे सहजता महसूस होती है पता नहीं क्यों सर वो सहजता मुझे कभी बिहार में बोरिंग रोड से अपने कहीं भी गंतव्य स्थान पे जाने के लिए वो सहजता मुझे महसूस नहीं होती है सर बिहार में और ये रात की 12 नहीं मैं बोल रहा हूं रात के दस बजे के बाद और अगर आप फैमिली के साथ हैं तब तो ये सहजता और महसूस मैं मैं एक पत्रकार के, के तौर पे भी में फैमिली के साथ लोग गदर टू देख रहे हैं कि नहीं नहीं गदर टू तो देख फैमिली के साथ ही देख रहे हैं सर गदर बिहार ने तो गदर ही मचा दिया है गदर के मामले में अगले संडे तक की टिकटें नहीं मिल रही यहाँ पे आ, दूस, दूसरे स्टेट का पता नहीं लेकिन ये जब हम लोगों ने संडे को ये फिल्म देखी थी और अगले संडे तक के कुछ लोग छूट गए थे तो हम टिकट ट्राई कर रहे थे अपने संगठन के लिए अगले संडे तक यहाँ पे टिकटें भी नहीं मिल रही है तो यहाँ का अलग माहौल है लेकिन फिल्म में अलग बात और डर का एक माहौल अलग बात है एक पत्रकार की हत्या वो भी दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के पत्रकार की हत्या के बाद अंदर में डर का माहौल तो है और डर का माहौल हमेशा ही रहा है रविश कुमार नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ये पत्रकार के नाम के आगे गौरी लंस नहीं है लेकिन वो बिहार के हैं सर अजीत अंजुम भी बिहार के हैं आप कल्पना कर सकते हैं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता सही बात है अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे वो उस पर वो अगर उत्तर प्रदेश में होती तो वो सारे आंकड़े निकाल लेते कि कहाँ बुलडोजर चला था कहा क्या हुआ था उसके आंकड़े वो सब निकाल लाते लेकिन चूंकि बिहार का मरा है बेचारा एक छोटे से कस्बे का पत्रकार उस उसमें कोई नहीं बनाएगा एडिटर्स गिल्ड है यहाँ पर दिल्ली में किसी भी पत्रकार के बारे में कुछ होती है कि एफ तक दर्ज हो जाती है किसी वामपंथी पत्रकार के खिलाफ तो वो चिट्ठी जारी करते हैं लेकिन सही मायनों में जो ग्राउंड पर रहकर ऐसे लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं अपनी जान खतरे में डालकर मैं तो कस्बे के रिपोर्टर छोटे रिपोर्टर्स को हमेशा बड़ा अप्रिशिएट करता रहा हूं क्योंकि वो ही जाके फील्ड में रिपोर्टिंग करता है दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार बाहर नहीं निकलता घर से वो वहीं बैठा बैठा परसेप्शन और नैरेटिव की वो करता रहता है अपनी कहानी बनाता रहता है चलिए खैर अभी आप चिराग पासवान का जिक्र किया चिराग पासवान का तो पिछले दिनों आपने इंटरव्यू भी लिया है तो चिराग पासवान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कुछ हाईलाइट बताइए इसकी इंटरव्यू की और उनकी चिराग पासवान क्या करने जा रहे हैं Uh, सभी मुद्दों पे हमने प्रश्न पूछा वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थी और नीतीश कुमार के फेलियर्स के ऊपर एक तरफ बिहार में कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं पे बिल्कुल सूखा हुआ है उनके जमुई डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि पचहत्तर लोगों ने धान रोप दिया जबकि कंप्लीट सूखा पड़ा है किसानों तक पानी नहीं पहुंचा उस सबसे बड़ी बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही नहीं बताया कि यह नहीं हुआ बोला कि इसके ऊपर तो तो के, के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात करना यह बड़ी अच्छी बात है हाँ अच्छा उन्होंने ये भी कहा, कहा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने प्रश्न पूछ लिया था कि आपके चाचा जी ने आपके बारे में ऐसा कहा तो बड़ा एक जो कहते हैं ना बड़ा मैच्योर बयान कि वो मेरे चाचा है ये मेरा व्यक्तिगत मामला है मेरा पारिवारिक रिश्ता है वो बड़े होने के नाते मुझे एक थप्पड़ मार भी देंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ अब आप समझिए ये जो चिराग पासवान का जो स्टेप चढ़ने की जो तैयारी है ना वो अब दिखा रहा है कि एक दो बार के जमुई सांसद से अब वो जो है जब कहता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इसके पहले पिताजी की छत्रछाया में थे तो अलग ढंग से शायद काम भी करते हो पिछले दो साल में मेरा मानना है कि 2020 के चुनाव के बाद से जो पिता का निधन हुआ और ये सब चीजें हुई हैं फिर पार्टी में टूट हो गई मुझे लगता है कि एक लर्निंग फेज था और चिराग पासवान ने इसमें से बढ़िया लेसंस लर्न किए हैं वो अच्छे विद्यार्थी साबित हुए हैं मेरा मेरा बिल्कुल यही मानना है सर कि एक मैच्योर लीडर और सुलझे हुए व्यक्तित्व दोनों को एक साथ वो प्रदर्शित करते हैं ये अच्छी बात है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अच्छी बात कही कि नीतीश जी के साथ मेरे वैचारिक मतभेद वो गए थे दिल्ली आंख दिखाने अब उन्होंने आंख कांग्रेस को दिखाया और इसके अलावा एम्स में भी अपना इलाज कराया इस दोनों के राजनीतिक मतलब और अटल जी की को श्रद्धांजलि भी देने गए और और ये भी उन्होंने जी उसमें उन्होंने कहा चिराग सर ने कि ये बड़ा है कि अटल जी की बीजेपी को कहते हैं कि वो बीजेपी अलग है ये बीजेपी अलग है और इसी पे वो लोग करते हैं कि डेमोक्रेसी बचाने की जो बात करते हैं तो बिहार में डेमोक्रेसी को तो हत्यारे और बालू माफिया बीफ माफिया ये तो रौंद रहे हैं बिहार की डेमोक्रेसी को तो बिहार की डेमोक्रेसी बचा लीजिए दिल्ली की बाद में बचा लेंगे बिहार में भी तो डेमोक्रेसी बचाना जरूरी है अगर पत्रकार की और पुलिस वालों की हत्या हो रही जिस स्टेट में पुलिस वालों की हत्या हो जाएगी वहां क्या करेगा ये पुलिस वालों की मा... हत्या मामला क्या था थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को क्या कै, कैसे कैसे घटना हुई है पंद्रह अगस्त से एक दिन पहले हुई चौदह अगस्त को हुई कब हुई ये चौदह अगस्त की घटना है हुँ. वो भी यादव ही थे जो पुलिस वाले थे वो बीफ माफिया मवेशी माफिया कुछ भी कहिए उनसे भिड़ने चले गए थे और आपको पता है पूरे देश में ये कोई सर एक बड़ा अच्छा अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था ये कोई पहला हादसा नहीं है सर MP, राजस्थान मध्य प्रदेश जो भी चाहे वो पुलिस वाला हो या ये पशु अच्छा तस्कर होते, है। होते हैं ये तो मार देते हैं पुलिस वालों को किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं किसी को गोली मार देते हैं अक्सर होता हा, हाँ 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 तो ये पशु तस्कर जो है अच्छा इस पे भी एक एंगल है जो चिराग जी ने तो नहीं कहा लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी तक पशु तस्कर नहीं पकड़े गए आखिर ये पशु तस्करों को बिहार में कौन शील्ड कर रहा है ये बीफ माफिया को कौन फैला रहा है बीफ माफिया बिना सरकार के संरक्षण के या दुनिया की कोई माफिया सर बिना सरकार के किसी खास व्यक्ति कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी के संरक्षण हो रहा है मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण के बिना असंभव है या तो माफिया पुलिस का संरक्षण है दो ही चीज है दो ही चीजें है सर क्योंकि हम पत्रकारिता का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होता है बिना संरक्षण के संभव नहीं है तो कौन संरक्षण दे रहा है और क्यों नहीं अब तक कार्यवाही हुई आपने किन को पकड़ लिया बिहार पुलिस बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है लेकिन आप देखिए बैंक डकैती भी हो रही है पुलिस वाला भी मारा जा रहा है पत्रकार भी मारा जा रहा है फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार में आंकड़े दिल्ली के मुकाबले कम है ये हास्यास्प्रद है यह हस्यास्प्रद है सर बिहार की स्थिति को लेकर के बहुत सारे गांव के कस्बों की हत्या रेप इन सब के मामले एनसीआरबी को घंटा पता नहीं चलते वो तो एनसीआरबी तो दरअसल आंकड़े जो बनाती है सब जगह के वो तो जो रजिस्टर्ड होते हैं केस उनके आधार पे तैयार करती है Exactly, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब मायावती हुआ करती थी चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने साफ कह दिया था कि आ, मतलब देखभाल कर आप मामले रजिस्टर करें और फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार योगी जी की बनी तो योगी जी ने कहा कि कोई छोटा सा मामला दर्ज करो तो उसे लोग इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि योगी के आने के बाद यहाँ क्राइम बढ़ गया भाई इसलिए बढ़ गया क्राइम क्योंकि वो अब रजिस्टर्ड होने लगा अब एफ दर्ज होने लगी पहले भगा देते थे पुलिस वाले व्यक्तिगत व्यक्तिगत अनुभव है मेरा एक पर्स किसी ने मार लिया था बिहार में आज से आठ साल पहले उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैं पुलिस के पास एफआईआर कराने के दृष्टिकोण से गया कि पर्स चोरी का एफआईआर लिखना है उन्होंने बोला कि नहीं ये अब खो लिखो खो गया सनहा दर्ज करते हैं खो गया अब दोनों में फर्क है सर आप कहीं टहल रहे थे आपसे गिर गया आपको पता नहीं चला खो जाना और चोरी हो जाना ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट है किंतु उस वक्त मैं पत्रकार नहीं ये एक अंतर जो है इसी वजह से एनसीआरबी के आंकड़ों में फर्क है वरना बिहार में तो ने, मैंने तो बताया सर और ये बात आज चेनि, तो चेनि, तो कह दी वगैरह लोग बाग दर्ज ही नहीं कराते हैं सो, सो, सोचते हैं कि यार महिलाएं सोचती हैं कि एक इंसल्ट होगी शर्मिंदगी थोड़ी सी यार इसकी चैन छीन ली और मतलब मतलब बताता हूं कि वो वो जानते हैं कि हम रजिस्टर्ड भी कराएंगे तो चैन को मिलने वाली तो है नहीं तो इसी वजह से जो है कोई जाता ही नहीं है बस हो गया तो हो गया हजारों घटनाएं होती है इस तरह की तो रोजाना एक नहीं एक और घटना मेरे मामा के साथ हुई थी उनके आ, चार बजे सुबह में राजेंद्र नगर टर्मिनल से उतरे पत्रकार नगर के कुछ लोगों ने ऑटो से उतार के उनके सत्तर हजार रुपए लूट लिए उसका भी एफआईआर नहीं हो पाया मेरे मामा के साथ हुआ तो ये बातें हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और वास्तविकता में कुछ और इन सब बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था बड़ा संभला हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस था बाकी तो आपके दर्शकों ने और शायद आपने भी वो इंटरव्यू देखा ही होगा उस मुद्दे पे उन्होंने जल के बारे में बात की कि बिहार में जो है नदियों से नदियों को जोड़ा जाना चाहिए उससे बाढ़ की समस्या को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कोशी के पानी को जो उफान में आता है उसको हम ऐसे इलाकों में पहुंचा सकते हैं जहां पे बिल्कुल सूखा है उसका हम यूज कर सकते हैं तो सोल्यूशन थाने केवल समस्या भी जो है, जो नहीं काम है।, बिल्कुल सही बात है। अच्छा त, एक अब आते हैं एक सर्वे आया है टाइम्स नावी ईटीजी क्या है वो कौन कंपनी बनाई है उन्होंने जी, उसका जी, और वैसे तो उसमें एनडीए को मेजोरिटी दी गई है ओवरऑल मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं और यूपी में योगी जी का जलवा है उसमें तिहत्तर सीटें दी गई हैं यूपी में और ये उसमें खास बात एक और भी है देखिए मैं नीतीश जी को कुछ इन चीजों से सीखना भी चाहिए वहां पे कि साउथ में कर्नाटक वगैरह में जब वो सर्वे किया जा रहा था तो वहां पर जब उन्होंने पूछा कि पीएम के लिए आप किसे मोदी जी के अलावा किसे प्रिफर करेंगे योगी आदित्यनाथ बेहद लोकप्रिय है साउथ में सब जगह लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बेस्ट सीएम और बेस्ट पीएम एम ये हो सकते हैं तो यहाँ बिहार में आपके जो है उस टाइम्स नाव के सर्वे में एनडीए को 22 से 24 सीटें दी गई है और आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट को 16 से 18 सीटें दी है क्या किस आधार पे दिए हैं इन्होंने ये कैसे दिया है क्या मान के चले हैं ये इन्होंने आप... हो सकता है कुछ देखिये अब क्या है बहुत सारी सीटों पे पेच फंसी हुई है ये बात तो हमने और आपने एक महीने डेढ़ महीने पहले भी तो उन्होंने बीजेपी को 22 से 24 कैसे दे दी कितनी इसमें इसमें बीजेपी और चिराग की मिलाते हुए दी होंगी अब ये मुझे ये है कि उन्होंने एनडीए को दिया है या बीजेपी को एनडीए एनडीए इंडिया एनडीए और इंडिया इसी तरह से लिया को है उन्होंने बंगाल में मुझे लगता है कांग्रेस वगैरह सब मिला के दिखाया है मुझे लगता है तीन से चार सीटें जो है एनडीए की इन्होंने शॉर्ट की हैं अच्छा। उसके कारण ये रहे होंगे कि वो थोड़ा सा भ्रम का स्थिति है बहुत सारे सीट्स पे आ, अभी मुंगेर को लेकर के डाउट चल रहा है कि एनडीए का कौन कद्दावर नेता खड़ा होगा ललन सिंह के आगे उसी प्रकार से जहानाबाद की सीट है सिवान को लेकर के सिक्योर नहीं मान रहे हालांकि मैं तो सिवान को बीजेपी को मान रहा हूं मेरे एक हिसाब से सर पिछला वाला सर्वे भी 24 से 26 था और इस बार तो ये एक टेंटेटिव वे में चलने का प्रयास हो रहा है मैं इसको बहुत क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा बहुत अलग भी नहीं लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तीन से चार सीट ये न्यूट्रल रख सकते थे कि बाईस से चौबीस बात तो थर्टी सीट्स वाली तो पॉसिबल नहीं है हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे सर्वे किया जा सकता है ताकि 22 से 24 बीजेपी 10 से 12 जो है वो महागठबंधन और बाकी सीटों पे फाइट तो ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंट फील होता है वो इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि बिहार में जो डेमोग्राफी है और जिस प्रकार का अभी वर्तमान गठबंधन का दोनों गठबंधनों का परिवेश इसमें अगर आप सीमांचल को जैसे माइनस करते हैं एनडीए का वोट शेयर चौवालीस परसेंट हो जाता है अब सर किसी भी चुनाव में फोर्टी फोर परसेंट वोट शेयर बहुत अच्छा खासा वोट शेयर हो जाता है ये भी बात कही गई है कि जब हम असेंबली वाइज सर्वे करते हैं तो और लोकसभा की हम सर्वे करते हैं तो पांच से सात मोदी जी का एक अलग से वो, वोटर निकल के सामने आता है हर जगह ऑल ओवर इंडिया एग्जैक्टली exactly, सर मैं यही पॉइंट सर पुट करना चाहता था क्या बिहार को लेकर के जो ये 7% का पॉपअप है मैं पहले ही कह रहा हूं कि 8 सीटें सीमांचल की माइनस कर दीजिएगा 32 इसको 2014 के संदर्भ में देखने का अगर हम प्रयास करेंगे तो ज्यादा करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे मुझे लगता है कि एनटीए uh, 25 से 28 29 सीटों के आसपास जाके रुकेगी एंड इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर नीतीश अच्छा इसमें मैं जो इंडिया है ये इसका इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 25 से और 28 29 के बीच में रुकेंगे तो मान ले कि इनकी चार पांच सीटें और कम कर दें 12 से 10 12 के आसपास आती हैं इनकी इसमें exactly. इसमें नीतीश जी कितना बैठते हैं कांग्रेस कितना बैठती है और आरजेडी कितना बैठती है इनका क्या समीकरण बन रहा है देखिए मतलब मुझे नहीं लगता नहीं नहीं। बहुत बड़ा मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इस, इस इन तीनों में से कौन बड़ा होगा क्योंकि नीतीश जी पीएम बनना चाहते हैं अगर वो बिहार में भी अपनी पार्टी को बड़ा नहीं बना पाएंगे तो कहां बना पाएंगे भाई देखिए ये डिपेंड करता है कि सीमांचल की सीटों पे किसको अधिक मिलता है जैसे किशनगंज की श्योर शोर सीट जीतेंगे वो लोग भागलपुर फसा फसा सा लग रहा है आ, वो एक सीट हो गई अररिया वाली सीट हो गई मधुबनी का आ, सीट हो गया ठीक है तो ये सारी सीटें तो हैं जो फसी फसी सी है तो इन सब सीटों पे आ, कटिहार एक सीट है कटिहार लोकसभा सीट है पूर्णिया लोकसभा है इनमें से कितना जदयू के खाते में जाता है कितना आरजेडी और कितना कांग्रेस उसके बाद ही बता पाऊंगा सर क्योंकि नहीं, अगर तो, आप ये तो तो है, लेकिन फिर भी जैसे कि हम एनडीए की बात करते हैं तो हमें लगता है कि साहब इतनी सीटों पे बीजेपी लड़ेगी इतने पे चिराग पासवान लड़ेंगे लगभग एक मोटा मोटा अनुमान है इन्होंने भी तो कहीं कुछ कुछ किसी नेता का का इस तरह का आया होगा किस तरीके से ये इन्होंने हिसाब किताब बनाया है या वो बराबर बराबर कर लेंगे सोलह सोलह कितनी वो पंद्रह पंद्रह कैसे बनाते हैं बीबूस की तरह महाराष्ट्र की तरह क्या बना रहे हैं उससे नहीं नहीं उससे कर भी लेंगे तो वो रिजल्ट फेवरेबल नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि आप सिवान नहीं जीत रहे गोपालगंज नहीं जीत रहे मुजफ्फरपुर नहीं जीत रहे दरभंगा नहीं जीत रहे मोतिहारी नहीं जीत रहे हैं गोपाल इसके अलावा आप चले मगध क्षेत्र में तो पाटलिपुत्रा में आपकी परेशानियां हैं आप पटना सिटी जीत ही नहीं सकते वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसी प्रकार से जहानाबाद आज अच्छी बात है कि मैंने चिराग सर के साथ पे हम चैनल पे बात करते थे अरुण बाबू सर को देखा और मुझे पता है कि वो जहानाबाद की सीट पे अगर उनको टिकट जाता है वो निकालने हंड्रेड परसेंट मैं मानता हूँ उसमें मुझे कोई डाउट नहीं एक मेच्योर लीडर है सुलझे हुए लीडर है आज वो भी पीसी में मौजूद थे तो ये सारी सीटें हैं तो आप जीत नहीं रहे आप आ जाते हैं आरा आ जाते हैं बक्सर आ जाते हैं वो भी आप जीत नहीं रहे हैं मतलब भोजपुर और बक्सर तो सर आप है कहां पे आप बेगूसराय जीत नहीं सकते अब आपको लगेगा कि चलो मैंने बहुत अपने इलाके में काम किया है वो जो नालंदा वैशाली वाला एरिया है तो मान लिया वहां पे वैसे मुश्किल है आपको पता ही है कि नवादा ये पे सूरज के भाई हैं साहब से तो मुझे लग रहा है कि फिर क्या ये, ये, तेजस्वी का खाता खुलेगा नहीं इस बार इनका आरजेडी वालों का मतलब गठबंधन के बाद भी खाता नहीं खुलेगा क्या इनका नहीं नहीं खुल जाएगा सर खुल जाएगा क्योंकि कौन सी लड़ेंगे ना सर कौन सी सीट जीत सकते हैं ये आरजेडी वाले मधुब मैं तो बोल रहा हूँ सर भागलपुर हो गया पूर्णिया हो गया कटिहार हो गया अररिया हो गया किशनगंज हो गया मधुबनी हो गया इस सब एरिया में वो फाइट लड़ेंगे और जो लड़ना है सर इनको इन्हीं में लड़ना है अब आपस में बांट लो तीन चार जने हो कौन कौन सी लड़नी है तुमको कौन कौन सा जीतना है इसके अलावा मैं इधर के एरिया में आते ही वो कहानी समाप्त हो जाती है तिरुहुत प्रमंडल में बीजेपी एनडीए जो इस वक्त एनडीए का वोट शेयर है तिरुहुत प्रमंडल में सर 48% तक जाएगा मैं लिख के देता हूं hmm. तिरुहुत प्रमंडल तो वो प्रमंडल है सर जब प्रचंड आवेग चल रहा था तेजस्वी यादव का आ, 2020 के इलेक्शन में तब भी आप देखिए थर्ड और फोर्थ फेज में एकदम पूरा महागठबंधन धुएं में उड़ गया hmm. विधानसभा चुनाव है तो वहां तो आप भूल ही जाओ कि वहां आप जीत रहे हो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी प्रकार से थोड़ा मगध रीजन बनता था मुझे नहीं लगता कि रामकृपाल बाबू इस बार भी हारेंगे क्योंकि उनका कनेक्शन लोगों के साथ पाटलिपुत्र लोकसभा में बहुत जबरदस्त है इतना शानदार आदमी सर बर्थडे पार्टी में आप बुला लो मरना जीना खाना पीना अपने लोगों के बीच इसके अलावे जब सदन चलेगा तो दिल्ली में वरना फिर से वहां पर वो पार्लियामेंट में बोलते भी बढ़िया है मजेदार बोलते हैं वो ऑब्वियसली बात है किसी जमाने में लक्ष्मण कहे जाते थे तो अब तो अब अब खैर वो दिख रहा है कि अब यादों की भी स्थिति उसी प्रकार से अभी रिसेंटली एक बयान दिया उस पर मैं सोच रहा था प्रश्न पूछेंगे आप नहीं पूछा नहीं, नहीं, नहीं रिजर्वेशन को रिजर्वेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने पंद्रह अगस्त को कहा कि हम प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन देंगे अच्छा आप सर आप इतने सीनियर पत्रकार हैं आपको तो पता ही है कि बिहार राष्ट्रीय तो नहीं। नहीं दिल्ली बेस्ड की प्राइवेट कंपनी है कांग्रेस पार्टी लेकिन उसमें उस भी तो आप देखना है कि इन दोनों पार्टी में कैसे वो वैकेंसी निकालते हैं वो दिख जाएगा ना कितना किसको आरक्षण दिया है वो अपनी पार्टी में दिख जाएगा जब टिकट बंटवारा करेंगे तो ये प्राइवेट क्षेत्रों में रिजर्वेशन वाला फार्मूला मैं आपको बताऊं ट्राइड एंड टेस्टेड है मायावती ने पिछले चुनाव से पहले ये बात उठाई थी कांग्रेस ने जब हरियाणा का चुनाव था पिछले वाला उस समय ये बात चर्चा छेड़नी शुरू की थी कि हम हरियाणा में जो जिन जिन कंपनियों के ऑफिस हैं यहाँ पर गुड़गांव में वगैरह एनसीआर के इलाके में इनमें भी हम कहेंगे कि आप इनमें रिजर्वेशन दें और इसकी इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी कॉरपोरेट जगत में उन्होंने कहा था कि हमारे उन्होंने कहा था हमारे यहाँ काबलियत है फार्मूला इसीलिए आग लगाना चाहते हैं कि इनको पता है कि भारत में उसके बाद क्या होगा हम पूरे भारत में इस नाम पे आग लगा देंगे तो ये कंपनियां भारत से बाहर चली जाएगी बेरोजगारी आ जाएगी मोदी सरकार हार जाएगी इनको मोदी सरकार को हराने के लिए किसी भी स्तर तक जाना है भी जानते हैं और ये बात हम भी जानते हैं लेकिन दो, सर... दो, दो, तरह के प्रयास हो रहे हैं इस समय जो चुनाव से पहले मुझे नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से एक तो राहुल गांधी एंड पार्टी जो शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं पिछले तीन चार साल से कि किसी भी तरीके से मोदी या उनके किसी खास करीबी आदमी की छवि को भ्रष्टाचार के मामले में झूठे सच्चे में किसी भी तरह से डेंट किया जाए जैसे इंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी इस तरह की चीजें जब टाइम टू टाइम आती हैं और दूसरा हिंदुओं को हर जगह बांटने की कोशिश की जाए जैसे बिहार में जातीय जनगणना के नाम पे अभी मैंने एक वीडियो बनाया कि हरियाणा में यही कहना शुरू कर दिया कि जाट तो हिंदू नहीं होते बताइए ये कौन तो हाँ कहा से निकाल गया मैंने दो वीडियो बनाए हैं उस पर इसीलिए तो मैंने आपको रिसेंटली उस टॉपिक पे बात करते हुए ये हो रही है इनके पास कहने की बात मेरा वही है स्पष्ट की इनके पास जो राजनीतिक एजेंडा है वो कुछ नहीं है चुनाव जीतने का फॉर्मूला इनके पास कुछ नहीं है समीकरण इनके पास कुछ नहीं है एग्जैक्टली सर इसीलिए मैं मैं इस यंग लीडर लोग कहते हैं कि, कि आप अभिषेक जी कुछ ज्यादा प्रेस तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान की आप देखिए ये आदमी इंक्लूसिव बात करता है रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कह दिया कि आपको अगर ये कोई कहता ना कि आपने बड़ा अच्छी बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप सामाजिक समीकरण साध रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने के लिए एक काम कर रहे हैं आप किसी जाति को तो गोलबंद कर रहे हैं मगर किसी को साइडलाइन कर रहे हैं सर उसको जो है सरपास कर रहे हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं यह तो अन्याय है ये तो गलत है इसको तो क्रिटिसिज्म के तौर पे लेना चाहिए इस देश में क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं सामाजिक समीकरण पे काम करना चाहिए ये आलोचना की बात होनी चाहिए अब मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था जब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि ये बिहार के किसी नेता के मैं मुंह से सुन रहा हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं पूरा वीडियो अभी डालने वाला हूं मुझे विश्वास नहीं हुआ सर एक सेकंड के लिए कि कैसे हो सकता है मायावती की तरह अंध अंध रूप से के साथ दलितों दलितों की कहानी कहना शुरू कर दें दलित की बेटी फलाना इस तरह की कहानी शुरू कर दें चिराग पासवान मुझे लगता है कि बढ़िया राजनीति कर रहे हैं और वो जो जिस तरह की राह पे अब इस समय चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो उससे आने वाले समय में वो राइज करने वाले हैं, वो बिहार और नेशनल पॉलिटिक्स में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं तो अगले सप्ताह तक अगले एपिसोड से पहले की कुछ खास गतिविधि कुछ अभी कुछ होने जा रहा है अब तो सर पत्रकार की पत्र... दोबारा बाबा बागेश्वर आ रहे हैं नहीं वहां पर बाबा बागेश्वर का प्रॉमिस है वो तो आएंगे ही आएंगे और आएंगे भी और गदर मचा के भी जाएंगे अगले महीने वो से हाँ मैं वही कह रहा हूँ गया में है है गदर मचा के भी भी जाएंगे और कुछ उनका कुछ उनका होना भी नहीं है। उन पे भगवान का आशीर्वाद है उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये होना चाहिए अगर संस्कृति की कोई बात कर रहा है विरासत की बात कर रहा है कल्चर की बात कर रहा है इस पे किसी को आपत्ति आपने तो यहाँ पे दूसरों को बोलते हैं ये लोग ये लोग डॉक्टर नाइक के शो में जाते थे दिग्विजय सिंह और डॉक्टर जाकिर नाइक मतलब आप इतने हिपोक्रेट कभी कभी मुझे लगता है कैसे हो सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक आपको बहुत कमाल के लगते हैं अभी लेटेस्ट बयान नहीं आपने सुना दिग्विजय सिंह ने कल ये कहा है वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा मध्य प्रदेश में कि कर्नाटक में आपने कहानी शुरू की थी बजरंग दल को बैन करने वाली यहाँ क्या होगा यहाँ भी बन बजरंग दल बैन नहीं होगा तो उन्होंने कहा यहाँ बैन क्या होगा यहाँ तो हम तो गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर बजरंग दल में गुंडे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इन्हें जच रहा है मध्य प्रदेश का सीन भी क्या बन रहा है खैर चलिए बिहार की चर्चा थी बिहार पे हुई चलिए अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और आप नजर बनाए रखिएगा और सेफ रहिए आप बड़ा आक्रामक पत्रकारिता करते हैं बिहार में भाई पत्रकारों का बड़ा समय खराब चल रहा है मैं तो देख रहा हूँ तो आप जरा आज आज मुझे इस मुद्दे पे सर आप आठवें आदमी हैं जो सुबह से ये बात कह चुके हैं कि आक्रामक पत्रकारिता करते हो अभिषेक होके रहेगा उसको लेकर के मैं उतना आ, ये नहीं हूं अगर हुआ भी तो भी सुभाष चंद्र बोस चले गए तो क्या ये देश नहीं रहा ये मैं मान इसमें विश्वास नहीं रखता मैं विश्वास रखता हूं कि बिहार में इस वक्त दो ही युद्ध है वैचारिक एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस देश में क्राइम होना चाहिए जातिगत बातें होनी चाहिए और एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार के भविष्य की जो है वो कामना करते हैं अच्छे भविष्य की उनकी आंखों में एक भी, अच्छे बिहार भी की सपना है वो अच्छे बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जब जाने तो कहें यस ये, ये अभिषेक जो है एक नेशनलिस्ट बिहारी है इसने बिहार की पहचान को बदला है सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए चलिए वो तो वो तो खैर आप कर ही रहे हैं शुभकामनाएं आपको और टेक केयर धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें